नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे सिंडे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इंडियन क्वालिफायर टूर्नामेंट में आदिबन और अर्जुन रिगासी तो फाइनल पहुँच चुके हैं, लेकिन इससे पहले कल क्वार्टर फाइनल में एक ऐसा मुकाबला हुआ जिसमें एक ग्रैंड मास्टर मात्र 6 चालों में ही जो है गेम को हार गया। ऐसा बहुत कम देखने को आता है कि कोई भी ग्रैंड मास्टर ओपनिंग की शुरुआती चालों में ही जो है एक बड़ी गलती कर बैठे और मैच को हार जाए। एक बार विश्वनाथन आनंद जी के साथ भी ऐसा हो चुका है, तो हालांकि फिर भी ग्रैंड मास्टरों की तरफ से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। क्या कुछ हुआ, कैसी गलती हुई ओपनिंग में जो कि आप ना करें, वो आपके लिए देखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। अर्जुन इरगासी जो कि फाइनल पहुंचे हैं, उनके साथ सामने थे हर्षा भरतकोठी। मुकाबला शुरू हुआ d4 से, नाइट f6, c4, e6, और ऐसा लग रहा था कि अभी नाइट c3 खेल दिया जाए तो बिशप b4 जो है वो नॉर्मल नेम जो इंडियन हो सकता है, बट यहाँ पर g3 खेलते हुए इसे कैटलन सेटअप की ओर ले गए अर्जुन इरगासी। d5, बिशप g2, बिशप b4 चेक खेला जाता है ये नाइट d2। अब यहाँ पे आगे एक बड़ी गलती जो है वो हुई हर्षा भरतकोठी से, ग्रैंड मास्टर हैं वो। अब देखिए, यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि जब भी आप ओपनिंग में बिशप b4 को लेके आएँ और c वाला पॉन जो है अपनी जगह पर ना हो, तो हमेशा क्वीन a4 का खतरा रहता है जब तक कि आपने कैसल ना की हो। क्वीन a4 के डिफेंस के तौर पर एक ही चीज़ होती है कि अगर इमीडिएटली कोई क्वीन a4 यहाँ पर आए भी, तो पहले तो चेक पड़ी, तो अभी तो मौका है नहीं। और अगर या तो ब्लैक यहाँ पे कासल कर ले तो ब्लैक सेफ है, पर अगर आप कासल ना कर रहे हो और आप कुछ और करना चाहते हो, तो आपको हमेशा जो है नाइट c6 की तैयारी रखनी पड़ेगी। मतलब नाइट c6 जब आप खेलोगे तब आपको जो है इस मूव पर सपोर्ट आ जाएगा, तो क्वीन a4 का थ्रेट हमेशा एक्टिव रहेगा। यहाँ पर हर्षा भरतकोठी से एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई। नॉर्मली यहाँ पे कैसल और नाइट c6 खेला जाता है, लेकिन यहाँ पर हर्षा भरतकोठी जो है शायद जल्दबाजी में या जो भी बोले या भूल गए हों, उन्होंने d into c4 मार दिया। और इससे क्या हुआ, क्या नाइट c6 पर नहीं आ सकता है क्या? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ये डायगोनल ओपन हो गया है। तो ये जो हमारा ऊँट है अब वो खाली थोड़ी बैठेगा, और वही हो गया मैच में। जैसे उन्होंने d4 मारा, उनको अंदाज़ा हो गया कि गेम चला गया, क्योंकि क्वीन a4 चेक आ गई। उन्होंने नाइट c6 खेल के यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया, बट क्योंकि बिशप इंटू c6 आ ही रहा था, बिशप c6, और आप भी c6 मार लीजिए तो क्वीन इंटू b4 आ रहा है, और यहाँ पर गेम ख़त्म हो गया। तो एक ग्रैंड मास्टर जो है वो इतनी जल्दी जो है मुकाबला यहाँ पर हार जाएंगे, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हर्षा भरतकोठी जिन्होंने पहले दिन बड़ा शानदार खेल दिखाया था और एक बड़े खिलाड़ी मतलब सेतुरमन को बाहर किया था टूर्नामेंट से, वो कुछ इस तरह के ब्लंडर करते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो यहाँ पर यही ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी आप बिशप b4 चेक देते हैं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखिए बैकअप प्लान के तौर पर या तो आपका राजा यहाँ पर ना हो, कासल हो गई हो, अगर नहीं हुई हो तो नाइट c6 के लिए जो जगह है वो बराबर जो है आप बना के रखें, वरना मोहरा जो है इसी तरह से फ्री में जा सकता है। जब ग्रैंड मास्टर का जा सकता है तो क्लब लेवल पे तो रोज ही कहानी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यूं ही हिंदी चेस पे सीटा को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस पे सीटा चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू हो या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बिज इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बिज इंडिया चैनल को, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।